स्मार्ट जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 अगस्त को होने वाली घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1604 में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना अमृतसर के फड़ मंदिर में की गई थी। टाटा स्टील की नींव रखने वाले दोराबजी टाटा का जन्म आज ही के दिन 1859 को हुआ था। दोराबजी टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे। उनके द्वारा 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना भी की गई थी। आज ही के दिन पार्श्व गायक मुकेश जी का निधन 1976 में हुआ था। ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का निधन आज ही के दिन 1989 को हुआ था। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निदेशक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन 27 अगस्त 2006 को हुआ था। आज ही के दिन 1908 में ऑस्ट्रेलिया में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का जन्म हुआ। नवंबर 1928 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। डॉन ब्रैडमैन ने अपने टेस्ट कैरियर में 6,996 रन बनाए। टेस्ट में उनका टॉप स्कोर 334 रन का था। अपने कैरियर में उन्होंने 29 सेंचुरी लगाई। भारत के खिलाफ उन्होंने 5 मैचों में 4 शतक लगाए थे। आज ही के दिन भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली का जन्म 1972 में हुआ था। टेलीविजन की दुनिया के इतिहास में 27 अगस्त 1950 को बीबीसी ने पहली बार लाइव टेलीकास्ट का प्रसारण किया था। आज ही के दिन 1939 में दुनिया का पहला जेट एयरक्राफ्ट मिला था, जिसे हाइकल एसी 178 के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले मजदूर संगठन श्रमजीवी संघ की स्थापना आज ही के दिन 1870 में की गई थी।